काम चालू हो गया भाई। बस पकोड़े देख लो गाइस, एक नंबर पकोड़ा। 3, 2, 1 वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस जैसा कि आप जानते ही हैं, 7-8 दिन पहले नहीं, 9-10 दिन पहले मैंने टकला करा लिया उम्रा मुकम्मल करने के बाद ही। और शायद मैंने मेरे से प्रॉमिस किया था कि जब आप टकला कराओगे तो फिर जब आप घर आओगे तो मैं भी कराऊंगा, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तो आज वो दिन आ चुका है, शायद भाई को गंजा होना है। मैं तो फिर भी बाल आ गए थोड़े थोड़े, लेकिन शायद भाई का एकदम टकला चमकने वाला है। अरे यार मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं, क्या करा रहे हैं मेरे से। तो एग्जाम्स का टकले के साथ क्या कनेक्शन है भाई? लोग देखेंगे, बाहर जाऊंगा, मतलब अजीब लगेगा यार। कोई बात, आपको किसको दिखाने वाला? नहीं यार, फिर भी क्या किसको दिखाने यार? तुम बोला कुछ एग्जाम है एग्जाम है ना, तो अगर लोग तो जो भी अब आप तैयार है टकला करने के लिए? हम चले निकले, हम प्रॉमिस किया है तो करना तो पड़ेगा, बिल्कुल टकला तो होना पड़ेगा। एंड्रयू टेट एंड ट्रिस्टन टेट। चलो जी चलते हैं। वैसे बारिश हो रही है बाहर से, मौसम बड़ा ही खराब है आज, कल शाम से बारिश हो रही है, अब तक बर्फ भी होगी। होनी चाहिए यार। हाँ यार होनी चाहिए, कैंपिंग पे चले जाते। उसका कवर किसने उठाया है? हाँ हवा से उड़ गया होगा, रात को हवा चल रही थी। तो चलो जी चलते हैं, हम टकला करके आते हैं। मेरा आईफोन देखो गाइस, शायद आईफोन यूजर हमारे फ्लेक्स। ओ भाई बारिश की स्पीड फिर से बढ़ गई। अरे शिट, क्या भाई का शीशा क्यों नीचे है? वो गलती से रह गया है, अंदर नहीं गया होगा वो, उसमें शील है ना। सही है? हाँ पूरा सही है। ओके बारिश बड़ी तेज हो रही है यार। खोल द गेट भाई। घर में आ गई जी। ओए 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 ओए। लेट्स गो। चलिए जी। चलिए सर। तैयार हैं आप? एक्साइटेड? टकले के लिए कौन एक्साइटेड होता है यार? नहीं होना पड़ेगा आपको। एकदम चमकेंगे आप। वो तो देखेंगे यार। ये पहुंच गए जी हम सलोन, और सलोन बंद नहीं है। और मुझे लगता है मेरा पहला ही नंबर होगा। हाँ पहला ही नंबर होगा, क्योंकि आज बारिश है तो कोई होगा नहीं उधर। आप रेडी रहो, चलो। एकदम सारे रेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। सजी कैसे हैं आप? बस बढ़िया। सजी इसको जल्दी से टकला कर दो आप। बैठ जा जल्दी। कोई नहीं है यहाँ पे, पहला नंबर शायद भाई का। कैसा फील कर रहे हैं आप? एक सबसे अच्छा भी, एक सबसे बुरा भी। चलो जी हॉट सीट पे बैठ गए हैं शायद भाई। क्या बात है, आखिरी बार अपनी बालों को फील करिए आप। अभी 10 मिनट बाद कुछ नहीं होगा, पूरा गार्डन साफ होगा। चलो जी कार्रवाई शुरू की जाए। ओ भाई, ओ ओए होए हो गया, काम चालू हो गया भाई। फर्स्ट लुक आ गया कसम से, ये इतना गंदा लगता है भाई साहब। हो गया, जरा दिखा दिया फोटो उठा के। अभी दिखाऊंगा रुक जा यार, रोना है। क्या बात है, स्मार्ट लग रही हो आप। पति हैंडसम, हैंडसम लग रहे हो। अभी आपको मैं दिखाऊंगा, अभी लुक आएगा ना इसको। ओ भाई ये क्या देख लिया मैंने, ये देखने से पहले मैं अंधा क्यों नहीं हो गया। टकला बड़ा चमक रहा है कसम से भाई, इस पे धूप नहीं पड़ी ना आज तक। 2 साल बाद पड़ रही है, इसको हवा लगेगी ठंडा। क्या लुक है, अच्छा लग रहा है। ओ भाई साहब क्या बात है सर, कसम से अच्छा लग रहा है। ओ सर ऐसे ही रन कर दे, हाफ टकला इधर देख, वाह ऐसे रख दे यार, यहाँ से लग टकला हुआ है। देखो 3, 2, 1 बढ़िया है, कर दो पूरा। गाइस मेरे बालों के साथ एक्सपेरिमेंट हो गया। इधर देख शेव नहीं कराना था यार। तूने बोला यार, तुक्का से यार पागल है यार। 3, 2, 1 लेट्स गो। इधर सामने आ ना,
भाई मतलब क्या लग रहे हैं शायद भाई सर जी, इधर इधर देख, इधर देख, इधर देख भाई साहब, मतलब इधर देख लो सही से भाई, देखा अच्छे से, नहीं नहीं काटो पे, काटो पे था तो डाकू लग रहा है कसम से। सर जी कैसे लग रहे हैं? एकदम हैंडसम, इधर देख, इधर देख ना। हेलो गाइस सब्सक्राइब टू, किसी एक्टर कसम से कोई है वो साउथ का ऐसा एकदम हीरो बन के आ गए हैं क्या भाई? डिप्रेशन में चला गया शेयर से थोड़ा बहुत वो लग रहा है तो डाकू। तूने किया ना? मैं तो मजाक में बोला था इसे, बड़ा ठीक है करा दो, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, मजाक कर रहा हूँ, अच्छा लग रहा है कसम से। ओके खुदा कसम अच्छा लग रहा है। ओके 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 ट्रिस्टन टेट। चलो जी अब हम टकले में रील्स बनाएंगे। शायद भाई जी बताइए हमें कहाँ चलना है? भाई चलना वलना तो चलता रहेगा, फिलहाल मुझे एक पार्टी चाहिए, टकली की पार्टी, क्योंकि टकला में करता नहीं भाई, आपके लिए किया तो मुझे एक पार्टी बनती है भाई। ये क्या बात हुई भाई, टकले की पार्टी कौन लेता है? मैं लेता हूँ। टकले की पार्टी कौन मांगता है और कौन देता है? तो भाई आप दो पार्टी, यार आपने टकला किया है बहुत टाइम बाद, तो आपको पार्टी देनी है कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, किसके लिए क्या, तुम वो डिपेंड करता है, बोल रहा है मेरे लिए क्या, मतलब ये क्या बात हुई गाइस। चलो यार कोई बात नहीं, शायद भाई को कुछ खिला के आते हैं और खुद भी कुछ खाते हैं, बहुत टाइम बाद अपने मार्केट के दर्शन करके आते हैं 10-12 दिन बाद। भाई बारिश की स्पीड क्या बढ़ गई ना, बर्फ हुई तो मजा आ जाता। इसी के साथ पहुंच गए जी हम मेन मार्केट, काफी टाइम बाद दर्शन हो रहे हैं लेकिन वैसा का वैसा ही है जैसे मैं छोड़ के गया था। अस्सलाम वालेकुम सर, काली आंधी। आईफोन से बहुत बहुत क्या था इसका गिफ्ट क्यों क्या रो तो कभी याद था बिल्कुल बिल्कुल वर्डनेट को छोटा भाई बड़ा भाई रो बला कर दिया यार आईफोन। बे चाय जो चलो जी रेस्टोरेंट पहुंच गए, अभी हम कुछ खाते हैं यहां से। बताइए शायद भाई क्या खाएंगे आप? नहीं टकला छुपा क्यों रहे हैं आप? दिस नॉट गुड, नो नो यू डोंट नीड टू हाइड इट, यू आर लुकिंग डैम स्मार्ट हैंडसम। थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट। पिज्जा खाए? पिज्जा मस्त, बारिश में पिज्जा का अलग ही मजा है। बिरयानी खाते हैं? बिरयानी हाँ, मैंने भी काफी टाइम से खाई नहीं है। यस डन, बिरयानी डन करते हैं। बिरयानी 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 इज योर गाइस, क्या बात है। सैलेड सैलेड का है, आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा, माशाल्लाह रायता भी आ गया, क्या बात है। ये सैलेड इसी में देखा ही नहीं, बढ़िया जबरदस्त है भाई, शायद भाई ने अप्रूवल दे दिया, मतलब डन। अच्छी है, बढ़िया। चलो जी बिरयानी खा ली, आ जाना। कुत्ता किधर है? कुत्ता ओ शिट, ओ आया, चला गया चला गया। आजा यार, कुत्ते से बड़ा डरता है, क्या डरता है रे। And guys, we're back to our sweet sweet home. 10-12 दिन बाद बोल रहा हूँ मैं आज। A few inches later. तो guys, घर आते ही हमारा बन गया जी प्लान पकोड़े बनाने का। Yes, पकोड़े, क्योंकि बाहर से मौसम हो रहा है एकदम ठंडा ठंडा, बारिश हो रही है जबरदस्त, हवाएं चल रही है बहुत तेज, तो पकोड़े का एकदम मन है अभी खाने का। तो यहाँ मेरा ट्राउजर जल गया था पागल यार, देखा करना। तो सारा सामान हम लेके आ गए जी, हमारा छोटा सा गैस स्टोव, कढ़ाई वगैरह सारा सामान, ये चॉपिंग बोर्ड, इसमें है जी आटा और अनियन का रखे, अनियन आपके पास जी। ओ शिट, ओ इधर इधर इधर। तो शायद भाई हमारे शेफ ये बनाने वाले, देख टकला छुपा रहे हैं सर, ऐसा मजा नहीं आएगा कसम से भाई, प्लीज यार। वो ये मान लीजिए टकला शेफ वो थोड़ा कूल लगता है, आप नीचे तो वही बात है भाई बनाने में। बोर्ड के लिए सुना है मैंने, ये अभी देखो अभी लग रहा है भाई एंड्रयू टेट बना रहा है पकोड़े। शाबाश, आटा इतना ही और थोड़ा डाल दे, थोड़ा घर वालों को भी देंगे ना ये भाई, पकोड़े बनने जाए भाई एक नंबर। उधर चलिए भाई साहब, ये कतई नाइट साहब हो रही है भाई। ओ भाई तुझे आवाज क्या आ रही है, एक सेकंड का साउंड सुनो, साउंड साउंड ऑन पावर, देखो साउंड सुनो, साउंड इसकी साउंड है तेरी, साउंड सुनो। चल अब चलो उधर चलो, तू
भाई से आंसू आते हैं यार। देखो देखो देख 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 इसमें क्या था देखने वाली बात, देखने वाली बात क्या थी वो बताओ। अगली बार देखूंगा। गाइस ये बताओ जी कि ऐसा कौन काटता है इंडियन, ऐसे नहीं काटते कसम से भाई, तू फिल्म कर रहा है ऐसे काटते हैं। देख 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 काट क्या रहा है, देख ऐसे ऐसे हमें हमें पीसेस करने ना इसको छोटे छोटे, फिर मिक्स करना आटे के साथ और क्या। देख इसने बोला और क्या भाई, आप रोक क्यों रहे हैं भाई? इधर देख इधर देख इधर देख। ओहो कोई बात नहीं, बाल आ जाएंगे आपके। प्याज के कारण गाइस, प्याज के कारण। मुझे लगा आप बोले प्यार, प्यार के कारण नहीं यार, प्याज के कारण। ओके और बस ना, ज्यादा मोटा बनना चाहिए ना पतला चमारो फिर। वाला हाथ का, हाथ का ऐसे, हाथ का ऐसे। यार मेरे को डर लग रहा है खुद। उंगली मत काट देना भाई। शाबाश। पकोड़े देख लो गाइस, एक नंबर पकोड़ा। ओए 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 अभी रख, अभी रख नीचे। तो गाइस फाइनली 2-3 घंटा मेहनत करने के बाद हमारे पकोड़े हो गए जी रेडी, और इतने में ही बाहर से अंधेरा भी हो गया गाइस। देखते देखते शाम हो गई गाइस, और बाहर हो गई बहुत तेज बारिश, श्रीनगर साइड तो बर्फ भी हो रही है। क्या बात है भाई, पूरा अपडेट। हाँ यार रात में इधर भी बर्फ होगी मेरा कंफर्म, देखना। ओके कल बर्फ होगी, सुबह उठेंगे हम बर्फ होगी, क्योंकि हवा चल रही थी ना बहुत तेज, तो वहां से बर्फ ला रहा था वो। ओके इस सब को छोड़ के क्या आप पकोड़े पकोड़े देखने के, क्या पकोड़े देखने के लिए रेडी है? 3-2-1 एंड एकदम प्रॉपर वे में दिखाता हूँ मैं। ये ले जी पकोड़े विद लिप्टन चाय, एकदम स्पेशल अंदाज में खाएंगे पिएंगे दबा के। बहुत ही बढ़िया पाक, आप टेस्ट करो। मैंने तो किया था अभी, बहुत बढ़िया कसम से भाई, जेन्युइनली अच्छे बने हैं। इससे पहले हमने एक बार बनाए थे तब बकवास बने थे, लेकिन आज अच्छे बने हैं ना। हाँ नेक्स्ट लेवल। तो गाइस पकोड़े खा लिए जी, ठीक ठाक बने थे, कुछ ज़्यादा अच्छे भी नहीं थे लेकिन ज़्यादा बुरे भी नहीं थे, खा लिए मस्त। तो अभी मैं आ गया जी स्टूडियो में, मुझे करना है व्लॉग एडिट, एंड उसके बाद देखते हैं अगर भूख लगी तो फिर डिनर करेंगे, नहीं तो फिर ऐसे सो जाएंगे। तो यस मैं करता हूँ व्लॉग एडिट, और इस व्लॉग का देते एंड। अगर अपने व्लॉग पसंद फॉर सुनिंग गुड लाइक, आई विल सी यू सम अदर डे टिल देन, गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय। वैसे हमारा प्लान बन रहा है स्नो कैंपिंग का, तो कमेंट से बता देना कि कहाँ पे हम कैंप करें। हम सोच रहे हैं सोनमर्ग या गुलमर्ग, तो बताओ कहाँ पे करें, पहलगाम सोनमर्ग गुलमर्ग इतनी खूबसूरत जगह है, तो सजेस्ट करो, और बढ़िया सा कैंप करेंगे कैंपिंग बहुत टाइम बाद। बाय बाय। ओह शिट लैपटॉप किधर है मेरा लैपटॉप? ओ बेडरूम है यार। Oh,